let it bang. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग लकी। और मैं जा रहा हूँ आज अपने गांव से, सुल्तानपुर से, गोगा मैडी राजस्थान में। जो जो इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे। दिल्ली से पीरागढ़ी से निकलना है मुझे। तो गाइस, ये रोड है, अभी हमने जस्ट दिल्ली क्रॉस करी है और दिल्ली से लिया है सीधा रोहतक रोड, जो रोड जाता है हिसार के लिए। हिसार सीधा सामने पड़ेगा और फिर वहाँ से हम लेंगे हिसार से गोगा मैडी के लिए, जो राजस्थान में झारवीर बाबा का जो टेंपल है, मंदिर है। तो चलिए देखते रास्ते में, दिखाओ उधर को इतनी सुंदर नज़ारा जो गोगा मैडी का रास्ता है। और हम लोग इसी रास्ते को भी क्रॉस कर रहे हैं। ट्रैफिक बिल्कुल 0% है यहाँ पर, बहुत ही कम ट्रैफिक मिलता है और व्यू तो देखो ऑलवेज ऑसम ही रहता है। गाइस, ये आ गया है आसी का टोल टैक्स। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं राजस्थान गोगा मैडी, और रास्ते एकदम उबड़ खाबड़ है और ड्राइविंग हो रही है वहीं पे ही। ज़्यादा आने पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5-5.5 घंटे लगे हमें आने में दिल्ली से। फाइनली हम राजस्थान में आ चुके हैं और राजस्थान में व्लॉगिंग चालू है मेरी। आइए मैं दिखा दूँ, मैं आपको सबसे मिला दूँ, सब लोग यहीं बैठे हुए हैं। हेलो ताई, कैसे हो ताई? मिलिया जरा मामा से। हाय बेटा, और ये बैठे हमारे नाना जी, मामा जी और हमारी मम्मी जी। ये प्लॉट इन्होंने ही दिलवाया है। हाँ नाना जी, बोलो कुछ। बोल रहे तो मैं छोड़ कर आगे, पर हम फिर भी तुम्हारे पीछे आ गए। तो गाइस आइए, मैं आपको अपने मामा का घर दिखाता हूँ। आ रहा हूँ नानी जी, ये पूरी फैमिली हमारी बैठी हुई है। ये देखो, ये हमारी नानी जी हैं, ये हमारी मौसी जी हैं,
ये भी मौसी जी बीच वाले भी हमारे बच्चों को लाइक करना, हाँ सब्सक्राइब करना और शेयर करना शेयर करना। आइए मैं आपको मामा का घर दिखाऊं। हाँ। तो ये मेरे मामा का घर और यहाँ पर खड़ी है जानी मानी हस्ती जिसकी जान है सभी लोगों में बसती। तो इनके तो इंट्रोडक्शन के कोई मतलब जरूरत ही नहीं है। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं पीएस ब्लॉग्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये है भाई प्रदीप उर्फ लक्की सूर्य का चैनल, आप लोग सब्सक्राइब करें। ये हमारे मौसा जी हैं। मौसा जी नमस्ते। देखो लंबू लंबू पापा लंबू पापा को हाय कराओ। ये हमारे मामा जी का ज्यादा देर नहीं लगी। हाँ तो अरे हाँ बबलू हलवाई और इन्होंने कभी करेले की सब्जी नहीं बनाई। और मामा और मामू सब बढ़िया आगे देखो पतीले रखे हुए हैं। हाँ 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 हमारा मतलब भीड़ और लोग प्रसाद इतना ले रहे हैं कि आपकी जरूरत थी वहाँ। और आंटी छोड़ा है हमें पर हम कहाँ रुकने वाले। मैं और चंचू आगे तो मिले आप। तो भंडारे की पूरी तैयारी चल रही है यहाँ पे। अरे केको का जाहर वीर चौहान शान से रहते बैड़ी में। केको का जाहर वीर चौहान शान से रहते बैड़ी में। है वो तो है वो देवो में देव महान शान से रहते बैड़ी में। है वो देवो में देव
सबसे पहले मिलो इनसे। ये मेरे नाना नानी है, भैंस रखते थे, अभी भी भैंस रखी हुई है। ये उनकी फोटो है दोनों के साथ में। ये चौधरी साहब की अकेले फोटो है, और ये बाबा जान भी वहाँ की, और ये पूरी फैमिली की है इंक्लूडिंग हमारे नाना के पापा, और ये हमारे मामा मामी, गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी की फोटो के मामा जी ने जो पहला शिवलिंग बनवाया था। चौधरी साहब खड़े डंडा लेके, अभी होते तो बहुत मजा आता मेरी ब्लॉगिंग को, जरूर कुछ ना कुछ बोलते है ना, बोलते तू यार हैं दे कुछ काम कर ले ढंग के। तो अभी हम आ चुके हैं छत पे, तो छत का नजारा दिखा दूंगा आपको। तो गुड मॉर्निंग, ये हमारी मामी बैठी हैं। हाय गाइस, नमस्ते। नया फोन, कांग्रेचुलेशंस। मामी कहाँ? हाय सरगो, दिशा। हेलो बेटा। दिशा। गई। वेरी गुड। जाने वन बच्चे। शाबाश, वेरी गुड। तो शाम का कुछ व्यू ऐसा है यहाँ पे, ये वाली मामा की छत से है व्यू। तो शाम का वक्त है, तो हम अपनी छत पे खड़े शाम में आया था अभी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अभी आया हूँ, बच्चों का दिल नहीं लग रहा था, अब मैं आ गया हूँ तो लग रहा है ना मन, है ना? बोलो यस, और पी एस ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, बोलिए गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड डू लाइक, लव यू ऑल, बाय गाइस। बागड़े का पीर मेडी पे हो जय जय।